ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्लीडिंग आपको हो रही है या गंदा पानी जा रहा है, तो ये इसके लक्षण है। इसमें आपको पेल्विक पेन भी हो सकता है, नीचे आपके पेन हो रहा है, या आपको बैकएक भी हो रहा है, पैरों में भी दर्द होता है, तो ये इसके कुछ कॉमन जो है लक्षण है। अब हम बात करेंगे किन में ज्यादा इसके चांसेस होते हैं। वो महिलाएं जो बहुत ही छोटी उम्र में यौन संबंध बनाती हैं, या बहुत मल्टीपल पार्टनर्स के साथ बनाती हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है, उनमें ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब इसका जैसे हम अवेयरनेस के ही बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ही इसके डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसमें पैप स्मेयर होता है। पैप स्मेयर क्या होता है, एक इंटरनल चेकअप करते हैं, इसमें गर्भाशय के मुंह से पानी की जांच लेते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो आपको जानकर हैरानी होगी, इसी टेस्ट पे जो ऑस्ट्रेलिया में है ये कैंसर खत्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट कराए थे। हमारे पास इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल हो गई है, हम 15 साल के कम महिलाओं को भी देते हैं और 15 साल से ज्यादा महिलाओं को भी देते हैं। जो 15 साल से कम महिलाएं हैं उनको हम HPV वैक्सीन देते हैं और 2 डोज में देते हैं, और जो 15 साल से ज्यादा महिलाएं हैं उनको हम 3 डोज में देते हैं। हम ये शादीशुदा महिलाओं को भी दे सकते हैं, लेकिन उनमें ये कम इफेक्टिव है, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। मोस्टली ये कैंसर 40 साल की उम्र से ज्यादा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 10 से 15 साल का समय होता है इसको ट्रीट करने का। तो पैप स्मेयर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जो हमें करवाना चाहिए। दूसरा, हम होम्योपैथी में इसकी बात करें तो होम्योपैथी में कैंसर के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो इंसान को लेथार्जिक हो रहा है, बहुत ही डिप्रेशन में जा चुका है जिसको ये कैंसर है, या उसको जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो होम्योपैथी में हम एक होलिस्टिक अप्रोच के थ्रू उसको मेडिसिन देते हैं, उसकी पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं और उसको मेडिसिन दी जाती है। तो होम्योपैथी में इसका इस तरह से होता है। थैंक यू डॉक्टर प्रियंका सर्विस कैंसर के बारे में इतने डिटेल में बताने के लिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर भी कॉमन कैंसर के रूप में पाया जाता है। आइए चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर शालिनी के पास और जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जी, आपने भी कहा ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत कॉमन देखा जा रहा है। इसमें बेसिकली इसमें पेशेंट फील करेगा शार्प पेन या टेंडरनेस। जनरली क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स अर्ली स्टेज पे दिखते नहीं है, तो अगर हम टाइमली उसका डिटेक्शन करेंगे तो इट कुड बी रिजल्ट इन अ बेटर सर्वाइवल। इसमें कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। इसके कुछ साइंस हैं जैसे कि रिट्रैक्टेड और इन्वर्टेड डिम्पल्स होते हैं, लम्स होते हैं, रेडनेस और पेन एट योर ब्रेस्ट, एंड ऑरेंज पील लाइक स्किन हो जाती है, दूसरा क्या है निपल डिस्चार्जिंग होती है। तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि दिखते हैं ब्रेस्ट कैंसर में। अब इसमें हम लोग सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, तो पेशेंट कैसे सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा, मिरर के आगे खड़े होके यू कैन एग्जामिन योर ब्रेस्ट की वेदर देयर आर एनी लम्स जो कि गांठें होती हैं या फिर स्किन डिम्पल्स होती हैं, जैसे कि ऑरेंज पील लाइक अपीयरेंस हो जाती है स्किन की। दूसरा क्या है, रेज योर आर्म टू एग्जामिन योर आर्मपिट एंड ब्रेस्ट, एंड यू कैन ऑल्सो यूज योर फिंगर पैड्स विद एनी मसाज ऑयल योर शावर जेल। स्टार्ट पाल्पेटिंग अप एंड डाउन साइड इन सर्कुलर मोशन और इन वेजेस। तो ये सब तरीके से आप लोग सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। और अगर यही दिक्कत आप लोगों को भी आ रही है तो कंसल्ट योर डॉक्टर एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू डॉक्टर शालिनी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताने के लिए। आइए चलते हैं हमारे वेलनेस थेरेपिस्ट के पास मिस श्रुतिका, जो कि बताएंगे कि योगा में अरोमा थेरेपी और साउंड थेरेपी कैंसर के लिए कितनी मददगार साबित। जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं, जैसे हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी बात करी, उसी तरीके से और भी अलग तरीके के कैंसर होते हैं जो हमें बॉडी के अलग अलग हिस्सों में इफेक्ट करते हैं। इसमें योगा भी बहुत हेल्पफुल है जो हमें उस ऑर्गन को या उस सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है, रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, बॉडी की स्टिफनेस को हटाने में हेल्प करता है, और जो भी साइड इफेक्ट्स हमें होते हैं आफ्टर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उनसे रिलीफ पाने में हेल्प करता है।
ऑयल थेरेपीज होती हैं जैसे कि साउंड थेरेपी हो, जिसे हम जनरल रिलैक्सेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं डिप्रेशन से ओवरकम करने में, एंजाइटी से ओवरकम करने में, और इसे हम कैंसर सेल्स को डिजॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं, कैंसर सेल्स को ब्रेक कर सकता है। ऐसे कुछ स्पेसिफिक साउंड और वाइब्रेशन होती हैं जो हमें कैंसर से रिलीफ पाने में हेल्प कर सकती हैं। और इसके साथ साथ अरोमा थेरेपी भी होती है जिसमें हम स्पेसिफिक एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हैं, प्योर एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, वो हमारे कैंसरस और नॉन कैंसरस जो सल्फाइड्स होते हैं उनको डिजॉल्व करने में हेल्प कर सकता है, कैंसर के साइड इफेक्ट्स के से डील करने में हेल्प कर सकता है, और जनरल हमारी बॉडी को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। थैंक यू श्रुतिका, थैंक यू वेलनेस टीम कैंसर के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए। अगर आप में से कोई भी कैंसर से परेशान है या कैंसर के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज विजिट आवर वेलनेस टीम एट स्पर्श हेल्थ केयर एंड वेलनेस। Thank you.